स्वप्नदोष की समस्या पुरुषों में होना आम है, लेकिन अगर यही चीज जरूरत से ज्यादा होने लगती है तो फिर यह रोग हो जाता है, जिसके कारण पुरुषों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महीने में 2 या 3 बार स्वप्नदोष होना सामान्य है, लेकिन अगर यह समस्या इससे ज्यादा बार होती है तो कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। उन्हें मानसिक व शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनमें तनाव व अवसाद होना आम हो जाता है। इसके कोई खास कारणों का तो पता नहीं चला है, लेकिन हस्तमैथुन और कामुक विचारों को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। कई लोग स्वप्नदोष से बचने के लिए हस्तमैथुन कम करने का सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जिनसे इस समस्या को नियंत्रित करने का दावा किया जाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे इससे बचने का उपाय। इसकी अति से पुरुषों के स्वास्थ्य को क्या होते हैं नुकसान। इससे पुरुषों में कई प्रकार के शारीरिक विकार आ जाते हैं, जैसा हम पहले बता चुके हैं। इसके कारण पुरुषों में थकान, अंडकोश में दर्द, कमजोर स्खलन और शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो कि यौन संबंधों के लिए अच्छी नहीं। गंभीर मामलों में स्वप्नदोष से पीड़ित लोगों को संभोग के दौरान लिंग निष्क्रिय होने की समस्या हो सकती है, जो कि एक बड़ी समस्या है, जिसके इसके कारण पुरुषों में नपुंसकता भी हो सकती है। शीघ्र पतन की समस्या को भी स्वप्नदोष की समस्या से जोड़कर देखा जा सकता है। स्वप्नदोष से बचने के उपाय। रोजाना व्यायाम करना इस समस्या को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रोजाना व्यायाम करने से शारीरिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है और आप स्वप्नदोष से बच सकते हैं। सेक्स के बारे में ना सोचे और हस्तमैथुन की संख्या कम करके भी इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके बारे में विशेषज्ञों की एक राय तो नहीं, लेकिन इसको कम करके आप अन्य स्वास्थ्य बीमारियों से बच सकते हैं। सही आहार लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और यह कई बीमारियों को दूर रखने का भी कार्य करता है। विटामिन बी से भरपूर आहार लेने से भी आप इस समस्या से बच सकते हैं। सही समय पर सोए और सुबह जल्दी उठे, इससे आपके स्वास्थ्य को कई लाभ होने। सुबह उठकर आप अपनी दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं, इससे आपको पूरा दिन व्यस्तता बनी रहेगी और गंदे ख्याल दिमाग में नहीं आएंगे। अपने मन को शांत रखिए और किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर और दोस्तों से बातें कीजिए और स्वयं को व्यस्त रखें। बचने के उपाय। इससे बचने के लिए आप उपायों का भी सहारा ले सकते हैं, जिसके ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और ना इसका कोई नुकसान होगा। इसके उपाय प्रभावी होते हैं। रोजाना मुरब्बा का सेवन आपको इस समस्या से बचाएगा। रोज गाजर का जूस पीने से भी आराम मिलेगा। तुलसी की जड़ें भी इसके इलाज में काम आ सकती हैं। इसके लिए आपको इन्हें पीसकर रोजाना खाना होगा। यह रोग मर्दाना कमजोरी के कारण भी हो सकता है। इसके लिए आपको अदरक रस 2 चम्मच, प्याज रस 3 चम्मच, शहद 2 चम्मच, गाय का घी 2 चम्मच, सबको मिलाकर सेवन करने से स्वप्नदोष तो ठीक होगा ही, साथ मर्दाना ताकत भी बढ़ती है। लहसुन की कलियां रोजाना खाने से इसमें आराम मिलता है। 2 कलियां रोज खाए और इस समस्या से निजात पाए। इसके बाद गाजर का रस पीने से और जल्दी आराम मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें hashmi.com चैनल और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप hashmi.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं।